नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। साथियों, आपको पता होगा रसिया के एक पावर प्लांट में तेलों की रिसाव होने के कारण लगभग 20,000 टन तेल नदी में बह गया, जिसके कारण नदी का रंग पूरा चेंज हो चुका है। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि नदी में जो पानी है उसका रंग पूरी तरह बदल गया है। सरकार को अब ये चिंता है कि अगर कोई इंसान इसमें अगर आग लगा दे तो पूरी नदी में ही आग लग जाएगा। और एक तो इन तेलों के रिसाव होने के कारण ऐसे ही पर्यावरण पे खतरा हो चुका है, क्योंकि इसे भी जितने रहने वाले मछलियां हैं या जिसको पानी पीने वाले पशु पक्षी हैं वह पहले से ही त्रस्त हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रसिया में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकला था 2019 का, उसमें आपको बता दें जो CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है उसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है, उसमें भारत का रैंक था 80, मतलब कि 80, जबकि रसिया का रैंक 137 था, 137, पाकिस्तान से भी घटिया था। मतलब आप देख सकते हैं करप्शन का लेवल कितना ज़्यादा है। पाकिस्तान का भी रैंक 120 था, बट रसिया में आप करप्शन देख पा रहे होंगे कितना है। तो वहाँ पे बेसिकली जो ये घटना हुई है, वहाँ निकल का माइनिंग होता था कारोबार, और जो कॉन्ग्लोमेरेट जिनकी ये कंपनी थी वह स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती थी, जिसके कारण यह खामियाजा भुगतता है रसिया ने। बोला ऐसा जा रहा है कि लगभग 10 साल लगेंगे इसको साफ करने में, और तब तक इसको सरकार को कंटेन करके रखना पड़ेगा। तो एक तो कोविड को कंटेन करने की चुनौती पहले से ही है, उसके बाद इस तेल को जो कि स्पिल हो गया पावर प्लांट के कारण उसको भी कंटेन करना होगा। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। इंडिया हैज प्लेज्ड US$15 मिलियन एज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। आपको बताना है यह जो ऑर्गेनाइजेशन है गैवी, यह किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल है, नेशनल है या फिर क्या है। दोस्तों, इसका सही जो जवाब है इंटरनेशनल है। भारत सरकार ने इसमें $15 मिलियन दिए हैं। दुखद बात यह है कि भारत की एक और संस्थान IISER, उसे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, और वह ट्विटर पर कैंपेन कहीं कहीं चला रहे हैं और लोगों से पैसे मांग रहे हैं ताकि भारत सरकार उन्हें किसी तरह आश्वासन दे। सरकार को चाहिए एक्सटर्नल फंडिंग के साथ इंटरनल फंडिंग पर भी फोकस करे। आपको बता दें गूगल ने भी गूगल की आपको पहले WHO का बता दें, WHO ने जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पे ट्रायल पर रोक लगा दिया गया था उसको फिर से रिज्यूम कर दिया है। और अगर गूगल की बात करें तो उन्होंने रेसिज्म को रोकने के लिए लगभग $37 मिलियन देने का वादा किया है। और एक दूसरा न्यूज़ यह है कि गूगल पे फाइन लग गया है लगभग $5 बिलियन का। जिस तरह रसिया को तेल के ऑयल स्पिल के कारण बिलियंस में नुकसान हुआ है, उसी तरह गूगल को भी नुकसान हुआ है। और गूगल के सुंदर पिचाई बोल रहे हैं कि वो कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ेंगे। कारण यह है कि जब आप इनकॉग्निटो मोड में आप कुछ भी कंटेंट सर्च करते हो तो गूगल उसको कॉपी करता है। तो अगर आप इंटरनेट पे हो, अगर कोई भी आप की बटन, कोई भी आप स्ट्रोक या इम्प्रेशन कुछ भी करते हो तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड होता है। तो यह दो खबर था कि 5 बिलियन गूगल पे फाइन लगा है, और गूगल ने रेसिज्म को रोकने के लिए जो भी आपने देखा होगा जॉर्ज फ्लॉयड के कारण हुआ था उसके लिए $37 मिलियन उन्होंने दिया है। तो यह कुछ जानकारियाँ थी। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ट्यूलिप पोर्टल, साथियों एक पोर्टल है जिसे कि इनिशिएट किया गया है। आपको बताना है कि यह किससे रिलेटेड है, हेल्थ से, इंटर्नशिप से, या ट्यूलिप एक फूल होता है उसे कल्टीवेशन से, या फिर MSME स्कीम है ये। तो आपको बता दीजिए जो ट्यूलिप पोर्टल है ये इसका जो ये तीन मिनिस्ट्री ने मिलकर बनाया है। इसमें एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसके कि मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। दूसरा AICTE, इसमें AICTE भी शामिल है जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। और तीसरा है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मिनिस्ट्री महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके कि MOHUA, जिसके कि मिनिस्टर है HS पुरी, हरदीप सिंह पुरी। साथियों, ये ट्यूली पोर्टल बना है इंटर्नशिप स्कीम के लिए, इसके थ्रू इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, इस स्कीम के थ्रू लगभग 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को लिए जाएंगे। तो और इसके थ्रू जितने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, इस तरह के बहुत सारे काम, तो उनको इसमें लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि लर्निंग बाई डूइंग से अच्छा है डूइंग बाई लर्निंग। दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि यह जो इंटर्नशिप होगी लगभग 3 हफ्तों से लेकर 1 साल तक की होगी, मीन्स 3 वीक से 12 मंथ। तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, अगर आपके लायक का इसमें कुछ है तो आप इसे देख सकते हैं, खंगाल सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपको बता दें कि यह जो रूरल एरियाज में नहीं होंगे इन ये सारी चीज़ें, जैसा स्मार्ट सिटी में होंगे, तो ये अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ये प्रोग्राम है। इसमें जो यूएल है ये अर्बन लोकल बॉडीज ही है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरनाया रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अमरनाया रिवर ये वही है जो अभी आपने देखा, रसिया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया गया है, तो इस रीजन में बेसिकली ये हुआ। तो एक्चुअली एक तो कारण करप्शन है, दूसरा कारण क्लाइमेट चेंज भी है जिसके कारण यह घटना हुई, और इसमें 20,000 टन डीजल ऑयल लगभग बह गए। तो यह है रसिया में, रसिया के ईस्ट साइबेरिया में घटना हुई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया इज नॉट इंगेज विद ऑस्ट्रेलिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज। साथियों यहाँ चार एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसमें जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ इंगेज नहीं है वह है मालाबार, बाकी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया तीनों मिलके काम करते हैं। तो मालाबार में बेसिकली इंडिया, यूएस और जापान, ये तीन हैं। माना जा रहा था कि जो 4 तारीख को भारत के मोदी और वो ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन के बीच में वार्तालाप हुई, उसमें ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में भी आने के लिए बोला जाएगा, ताकि जो क्वाड है, क्वाड बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में 4 देशों का समूह है जो चाइना को काउंटर करेगा। तो क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसके लिए साइन भी हो चुका है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन हुआ है जिसका नाम है MLSA, यह कुछ उसी तरह है जैसे भारत और USA में हुआ था जिसका नाम था लेमोआ। अगर आप UPSC के एस्पिरेंट होंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। दोस्तों तो यह थी कुछ जानकारी। आपको बता दें अभी जो G7 हुआ था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है, यह USA में अमेरिका में होने वाला था, तो इसको डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने आउटडेटेड बता दिया गया है, और इसमें भी भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले यह G8 था जिसमें रसिया भी शामिल था, बट जब से रसिया ने क्रीमिया पे एक्वायर करने की कोशिश की तो रसिया इसमें से बाहर हो गया, क्योंकि इसके कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM मोदी री अप्रूव्ड द फार्मा कोपोया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। आपको बताना है कि यह जो पूरा सिस्टम है यह किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो यह है आयुष मंत्रालय, क्योंकि होम्योपैथी है तो आयुष में जो H होता है वो होम्योपैथी होता है। A फॉर आयुर्वेद, यूनानी, Y फॉर यूनानी, AY फॉर आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और ये होम्योपैथी। तो आप देख सकते हैं, और इसके जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ आयुष, वो है श्री यशोपद नायक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 रिपोर्ट वॉज पब्लिश बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CSE। साथियों एक और रिपोर्ट रिलीज हुआ है जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल 2020। यह रिपोर्ट यह बताता है कि बेसिकली जितने भी नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो, तूफान के कारण हो, ड्रॉट के कारण हो, साइक्लोन के कारण हो, तो उससे कितने लोग विस्थापन होते हैं, मीन्स अपने घर वापस चले जाते हैं, या ऐसी तरह तरह की बातों पे इस पर डेटा लिया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। तो इसका जो फाउंडर थे, इनके फाउंडर थे बहुत ही सज्जन इंसान थे, अनिल अग्रवाल, ये IIT कानपुर के थे, इनका निधन हो चुका है, बट अभी जो डायरेक्टर जनरल है वह है सुनीता नारायण। आप काफ़ी जगह इनको देखते होंगे, डाउन टू अर्थ वगैरह में अपनी मैगजीन में काफ़ी रिपोर्ट लिखती रहती है। तो वह यह CSE है, सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। दोस्तों मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट टॉप्ड द COVID-19 मैनेजमेंट इंडेक्स। तो अच्छी बात है कि ऐसा भी कोई इंडेक्स देश में देखा जा रहा है कि कौन सा स्टेट कोविड को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, भले ही कर्व को क्रश नहीं कर पा रहा हो बट कम से कम फ्लैटन करने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि आपको पता ही होगा जो जमना लाल बजाज थे, भारत के बहुत ही बड़े जो गांधी जी के साथ काम करते थे, उनके जो पौत्र है, मीन्स उनके बेटे के बेटे राजीव बजाज, उन्होंने कल कहा है, उनका राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग हुआ, उन्होंने बोला कि लॉकडाउन के कारण कर्व तो फ्लैट नहीं हुआ बट GDP फ्लैट हो गया। बट इस दरमियान वैसे कुछ राज्य जिन्होंने कर्व को ही फ्लैट करने का काम किया, उनमें टॉप मारा है राजस्थान ने। आपको पता होगा राजस्थान में स्टार्टिंग में बहुत ही
केसेस आए थे, बट राजस्थान ने कंटेन कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जाने अनजाने में इसने जापान के मॉडल को फॉलो किया। जापान में जैसे लास्ट ईयर इन्फ्लुएंजा और अन्य बीमारियों को देखते हुए एडहॉक काफ़ी सारे वर्कर्स हायर किए गए थे, उसको ट्रेन किए गए थे, जिसको कि काम में लाया गया कोरोना वायरस के रूप में, उसी तरह झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस कारण झारखंड मीन्स सॉरी राजस्थान, और इस कारण राजस्थान टॉप पे रहा। सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, हु रिलीजेज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। तो ये जो PLFS है इसे रिलीज करता है NSO। NSO आता है MoSPI के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MoSPI के अंदर आता है NSO जो। और ये PLFS पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड सर्वे होता है। ओके, तो पहले आपको बता दें कि इस सर्वे में निकल के आया क्या है। तो इस सर्वे में निकल कर आया है, आपको भी हंसी आएगी, कि 2017 से 18 के बीच बोला गया है कि भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसको कि इनका जो टर्म है शॉर्ट फॉर्म उसके रूप में UR बोला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वह 6.1% था। वहीं 2018-19 में यह घटकर 5.8% आ गया। तो खैर अच्छी बात है, तालियां इस बात पे। बट आपको हम बता दें कि यह जो PLFS है यह टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, और यह किन के रिकमेंडेशन पे हुआ, तो उनका नाम है अमिताभ कुंडू। और इससे पहले जब NSO नहीं था, NSO तो खैर अभी मींस एग्जिस्टेंस में आया है, उससे पहले यह सारे डेटा NSSO रिलीज करता था। और CMII सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यह प्राइवेट सिस्टम प्राइवेट कंपनियों को नहीं बताता है, इसके CEO है महेश व्यास, जिन्होंने बोला है कि अप्रैल में लगभग 12 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार हो गए हैं, ऐसा इन्होंने कुछ कुछ बोला है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दोस्तों बता दें कि इतनी बेरोजगारी हो रही है, तो इसके क्या भी समाधान है जो आपको तुरंत मैं बता सकता हूँ। एक तो है कि NBA आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने 3 योजनाएं लाई है, उसमें एक था PM स्वनिधि, SVA स्वनिधि। इसमें जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनको लगभग 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं हर एक को। फिर दूसरा इन्होंने एक लाया मनरेगा। मनरेगा तो चल ही रहा है, बट इसमें इन्होंने बढ़ा दिया। आपको साथियों बता दें, लगभग 14 करोड़ लोग माइग्रेट करके वापस गए हैं। तो अगर 14 करोड़ लोग गए हैं और मनरेगा के अंदर 100 दिन का काम होता है, तो अगर और डेली 200 रुपये मिलते हैं, एक तो है कि मनरेगा, आपको बता दें इसमें भी काफ़ी पेंच है, मनरेगा केंद्र सरकार का एक एक्ट है, बट राज्य में जाती है तो एक स्कीम बन जाती है। तो अगर किसी इंसान को 20,000 रुपये कमाने हैं तो उसको 100 दिन काम करना पड़ेगा। ओके, तो 200 × 100 = 20,000। तो दोस्तों अगर 14 करोड़ लोगों को 20,000 रुपये अगर देने पड़ेंगे, तो सरकार को लगभग 280,000 करोड़ रुपये चाहिए होंगे, मतलब कि 2.8 ट्रिलियन। और अभी जो मनरेगा का बजट है, अभी तो 60,000 करोड़ था, उसमें 40,000 करोड़ जोड़ दिए गए हैं, तो यह 1 ट्रिलियन हो गया है। तो इसको 1 ट्रिलियन से 2.8 ट्रिलियन पे ले जाना है। तो कोई काम नहीं है, सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार इसमें हो सकता है तो 1-2 महीना में 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन कर दे इसको। और तीसरा जो स्कीम है वह है क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें सरकार बोलती है कि मैं खुद 100% गारंटी लेता हूँ, और आप जाइए बैंक में पैसा लीजिए MSME के लिए। और इसमें भी ये है कि जो भी आप फरवरी के लास्ट तक आपने जितने ही बैंकों से जितने भी लोन उठाए हैं, उसका 20% आपको लोन के रूप में क्रेडिट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बॉलीवुड डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर डैश नोन फॉर मूवीज सच एज छोटी सी बात एंड रजनीगंधा पास्ड अवे, बेसिकली इसे मिस हो गया है। तो यह थे बासु चटर्जी। अगर आपने छोटी सी बात रजनीगंधा देखी हो, तो यह इनकी बासु चटर्जी की दो सबसे टॉप मूवीज थी। और आपको मज़ेदार बात बता दूँ, इसमें जो एक्टर थे दोनों फिल्मों में अमोल पालेकर थे, और एक्ट्रेस जो थी विद्या सिन्हा थी दोनों में, जिनका कि हाल में निधन हो गया। और जो म्यूजिक दिया था दोनों फिल्मों में वह थे सलील चौधरी। तो ये थे एक्टर। खैर ये तो इम्पोर्टेंट तो नहीं था, बट आपको मैंने मज़ेदार में थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए बता दिया। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ब्रजेंद्र नवनीत अपॉइंटेड एज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू डैश इन जेनेवा।
आपको ये तो मालूम चल गया जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं वह जिनेवा में है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन जिनेवा में है। तो ब्रजेंद्र नवनीत बने हैं, यह बने हैं WTO के, और आपको बता दें चारों ही जिनेवा में हैं। WTO, डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो आपको पता ही है सब जिनेवा में है। इसके साथ रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, वो भी जिनेवा में है साथियों। तो WTO के बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत। WTO के बारे में आपको मैंने बताया था कि जब ब्रिटेन वुड्स बना था तो एक तो IMF बना था, दूसरा वर्ल्ड बैंक बना था, फिर बात हुई थी कि एक ITO बनाया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट उस टाइम नहीं बन पाया था, और GATT गैट बन गया था जो कि 1948 में बना था, फिर इसको 1995 में इसको कैंसिल कर दिया गया और बना दिया गया था WTO। साथियों यह थी आज की जानकारी, आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथियों को भी बताएं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का ग्रोथ हो सके, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। दोस्तों सी यू सून, बाय बाय।